अब मैं रोज जाता हूं, अगर मंदिर की डिबेट है तो मैं जाऊंगा। अब चूंकि मीडिया में ऐसा है कि अगर आपने गैप छोड़ दिया तो ये खतरा रहता है कि दूसरा ला के बैठ जाए। एस जाए भाड़ में, उसकी व्यवस्था जाए भाड़ में। इस देश में जब तक चौराहे जिंदे रहेंगे तब तक हम रोज कमाएंगे और रोज खाएंगे, हमको तेरे से फर्क नहीं पड़ता। भाषा आपको यही रखनी पड़ेगी, भाषा का लहजा ही ये रखना पड़ेगा। वो पंडित जी खड़े थे वहां चौबे जी, उन्होंने कहा अरे नहीं 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 दलित मैं बताऊंगा ना दलित। अरे मैं कहा सुनिए पंडित जी आप रुकिए, दलित एक ब्रांड है, दलित ब्रांड है और हम उसको सिद्ध कर देंगे। इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण दलित बौद्धिक जो वर्ग है, सबसे पहले तो बधाई अशोक दास जी को, उन्होंने ये सिद्ध किया कि आदमी के अगर इरादे नेक हो और उसने ठान ले कि कोई भी अगर वो काम है, ये सच है। मैं बहुत सारे यहाँ मंचों पे जो मैंने देखा, तमाम जो दलित का जो मीडिया वाला जो पत्रकारिता का जो आंदोलन है उसमें भी लगभग वही समस्याएं हैं जो बाकी दलितों के आंदोलन है, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो उसका आर्थिक आंदोलन हो या और जितना भी आंदोलन है। इन परिस्थितियों में भी अशोक दास जी ने अगर इस चीज़ को डेवलप किया है, और एक चीज़ एक बहुत बड़ा एक नई डेट उन्होंने दी है, एक नई तिथि दलित आंदोलन को उन्होंने दी है, 176 जगहों पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो उसमें लगभग सारी सोशल मीडिया पे मेरी पहुंच नहीं है, 176 जगह पे जाकर के ये एक नई डेट उन्होंने तय की है। अभी 5 साल पहले या 10 साल पहले 26 नवंबर भी कोई डेट नहीं थी, जिसने उसको पैदा किया। आज आप देखेंगे, पिछली बार छोटा मोटा मैं कोई ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी 4-5 कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला, और उससे 15 साल पहले 3 जनवरी की कोई डेट नहीं थी। तो ये खेल है, ये खेल खेला जाएगा, ये लड़ाई है और ये लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जाएगी। सर 2-3 चीजें बस मुझे कहना, चूंकि आपको भूख भी लग रही है और समय भी ऐसा नहीं है। एज ए दलित एक्टिविस्ट, देखिए मैं मीडिया प्रोफेशन से नहीं हूं और मैं यहां से जो मेरठ जैसा जो इलाका है वहां भाषा भी कोई बहुत बढ़िया नहीं होती, हिंदी भी कोई बहुत बढ़िया बेहतर नहीं होती। मैंने तो कुछ सेंटेंस सेट किए, फिर इसका आदमी हूँ ज़्यादा मुझे मालूम था नहीं। अब चूंकि टीवी चैनल में बैठ के जो है रस्सीदार भाषा चाहिए आपकी, चूंकि बिहार का आदमी उसकी भाषा बहुत बढ़िया होती है, उसमें बड़ा मिठास होता है। हमारे यहाँ का आदमी कोई बात भी प्यार से भी बात करना चाहे तो उसको लगता है कि लड़ेगा जरूर, तो उसमें कुछ सेंटेंस सेट किए, मतलब मेरी कमी थी तो मैंने उसको सेट किया कि ये कुछ सेंटेंस है और मैं हर 3 मिनट में उन्हीं सेंटेंस को यूज़ करता हूँ। शुरुआत करता हूं कौशल पवार जी से। कौशल जी, ये सच है कि मीडिया भी व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रहा है, खबर की भी एक कीमत है, खबर भी बिकती है और दुख दर्द की खबरों की कीमत, जब लोगों ने अच्छाई और फिल्मी दुनिया की वो सारी चीजें, अगर दुख दर्द की फिल्म इस देश में करोड़ों रुपए का व्यापार कर सकती है, तो टीवी चैनल ने यह भी समझ लिया कि दुख दर्द उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन वो खबर उनको पैसे लेकर के देगी। ये हमको ये बात मान लेनी चाहिए और बौद्धिक वर्ग को भी ये बात मान लेनी चाहिए कि मीडिया स्वर्ण है। अब जाति है तो जातिवाद रहेगा। जब हमने सामाजिक आंदोलन में यह बात स्वीकार कर ली है, हमने कहा कि जाति छोड़ो, लेकिन जब उन्होंने जाति छोड़ी नहीं तो हमने राजनीति में जाति को ताकत बनाया, ये हमने सिद्ध किया। मीडिया में भी हम जाति को ताकत बना देंगे। देखिए सर, अब मैं रोज जाता हूं, अगर मंदिर की डिबेट है तो मैं जाऊंगा। अब चूंकि मीडिया में ऐसा है कि अगर आपने गैप छोड़ दिया तो ये खतरा रहता है कि दूसरा ला के बैठ जाए। अब मंदिर में मैं क्या बोलूं, जब मैं खुद मंदिर नहीं जाता तो मेरा मंदिर में क्या इंटरेस्ट, लेकिन मैं वहां दलितों को खोजता हूं। मेरे हिसाब से ये मैं छोटा हूं सबसे। मीडिया का एक खेल है, क्योंकि आप एक्सपर्ट जिस चीज के हैं उसी चीज के एक्सपर्ट बने रहना चाहिए। अगर आप बजट में गए हैं तो वहां भी आपको दलित ही नजर आना चाहिए। मैं 2-3 एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। एक बार राम मंदिर के ऊपर डिबेट चलता रहा, मौलाना अपनी बात, उधर हिंदूवादी लोग अपनी बात। मैं पटना में था,
मैंने कहा कि मैं जानबूझ करके बोला कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से बोल रहा हूं, तो समझ गया कि कुछ ना कोई गड़बड़ करेगा ही कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से बोल रहा हूं। और मुझे पता लगा है कि अभी हिंदू और मुसलमान ही इस देश में मंदिर की लड़ाई में शामिल नहीं है। मैंने जानबूझ के झूठे तरीके से बोला था, 3 साल पहले बोला था कि बौद्ध महासभा भी अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और वो जापान की जो एजेंसी है ना जिससे तुमने खनन कराया था, अगर 20 मीटर खोदोगे तो हो सकता है अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उस मंदिर के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ छिपा है, उसकी खुदाई बढ़ा दो, 35 मीटर के नीचे कहीं ना कहीं आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा। मैंने तो सिर्फ अपना स्पेस बनाने के लिए कहा था, मुझे नहीं मालूम था हो क्या रहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा था तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा गैर इस्लामिक, उसे बुद्ध कह देगा तो बुद्ध नहीं आ जाएंगे, लेकिन हमारे लोग भी सोचते रहते हैं कि नहीं। तो सर ऐसी चीजें हैं, देखिए 2-3 चीजें हैं। अगर पेट है तो रोटी की भूख है, अगर दिमाग है तो विचार की भूख है। आदमी रोटी के लिए तो हमारे पास चौराहे हैं। मैंने ये भी कहा था एक दिन कि क्या होगा दलित मूवमेंट का, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, देश जाए भाड़ में, उसकी व्यवस्था जाए भाड़ में, इस देश में जब तक चौराहे जिंदे रहेंगे तब तक हम रोज कमाएंगे और रोज खाएंगे, हमको तेरे से फर्क नहीं पड़ता। भाषा आपको यही रखनी पड़ेगी, भाषा का लहजा ही ये रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखिए सर, आप देखो पतझड़ों की बात सुना कर यूं मुझे ना उतास कर, नए मौसमों का पता बता, तो मुझे नए मौसमों का पता बता। एक तरफ तो हम कहते हैं कि दलित आंदोलन बहुत आशावादी है, और ये सच भी है कि अगर दलित आंदोलन आशावादी ना होता तो आप यहां खड़े हुए नहीं होते, ये सच है। आशावादी आंदोलन को ठीक है दुख दर्द की बातें हो, नकारात्मक बातें भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जाती तो है ना, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, आपकी नकारात्मक बातों से जो बौद्धिक नहीं है, जो आम आदमी है, अगर वो निराशावादी हो गया तो आपका कहीं ना कहीं सब ये लेखन चिंतन और पत्रकारिता सब गड़बड़ हो जाएगी। उसके अंदर आपको भूख जगा के रखनी है, उसके जो जिंदा होने की भूख है। एक बात मैं कह दूं सर, देखिए इस देश में क्या परिवर्तन हुआ है, इस देश में एक परिवर्तन हो गया है कि माना कि दलितों का जो राजनीतिक आंदोलन है वो कुछ कमजोर हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन गलती तो उन्होंने भी की है ना, गलती उन्होंने भी की है। जब देवी सराय जी जब बोल रहे थे तो जब राजनीतिक वाली बात आई तो बात हुई, ये सच है। उन्होंने देखो ये सच है कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती, ये सिद्ध हो चुका, ये सिद्ध हो चुका, ये अक्सर तय सिद्ध है। और राजनीति हर समस्या की चाबी है, राजनीति ही हर समस्या की चाबी है, लेकिन साथ में आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि जो सत्ता आपको मिली है अगर ताला लोहे का है और चाबी लकड़ी की है तो दुनिया में कभी ताला खुल नहीं सकता। अगर आपके पास राजनीति की जो चाबी है जिस मेटल से जिस धातु से वो ताला बना है उससे मजबूत अगर आपके पास हो तो ही आपका चाबी खुल सकती है। देखिए 3-4 चीजों को हमको रखना पड़ेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखो बौद्धिक होना एक सुखदाई एहसास है, बौद्धिक होना एक सुखदाई एहसास है, लेकिन बौद्धिकता को बनाए रखना बहुत कठिन है। आपके सामने बैठे हैं अभी कई सारे लोग हमारे जो बौद्धिक वर्ग से आते हैं, चंद्रमान प्रसाद जी भी है, 89 में आपने दलित शब्द को जो है पूरी तरीके से आपने कर दिया, वो मैं राष्ट्रीय सारा मैंने 12th किया था, तो वो जब सीरीज चली नेवी सराय जी ने पूरा का पूरा लिटरेचर चेंज किया। एक छोटी सी बात, देखो मैं कोई ज्ञान का पुलिंदा नहीं हूं, मेरे पास जो उपलब्ध ज्ञान है उसका उपयोग अपने दलित समाज के लिए करना चाहता हूं और मैं करूंगा और दावे के साथ करूंगा, और झूठ भी बोलूंगा तो दावे के साथ झूठ बोलूंगा, ये तय है। मैं सर एक बार मैं बताता हूं, वो अभी 6 महीने पहले कि दलित शब्द असंवैधानिक है, अरे भाई दलित शब्द असंवैधानिक है, हमारे बहुत सारे भाई भी फंस जाते हैं कि भैया मूल निवासी रखो, मूल निवासी दलित अब दलित क्या मतलब दलित का भाई। एक वो पंडित जी खड़े थे वहां चौबे जी,
उन्होंने कहा अरे नहीं 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 दलित मैं बताऊंगा ना दलित। अरे मैं क्या, सुनिए पंडा जी आप रुकिए, अरे दलित शब्द को तो कम से कम हमको डिफाइन करने दो। अरे जो दलित आदमी है वो डिफाइन करेगा ना, इसके ठेकेदार तुम थोड़ा ही हो, तुम किसी और विषय में बोलना, रामायण का पाठ करना। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा दलित शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिंदी से नहीं है, इतना मैं सिद्ध कर सकता हूँ। जे जे मोसले 1832 में मराठी भाषा में इस शब्द को प्रयोग करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में चूंकि जो शब्द हमारे जाति के थे उनसे हम खुद नफरत करते थे, उनको हम शामिल कर नहीं सकते थे, अंग्रेजी साहित्य में दलितों का वर्णन करने के लिए कहीं ना कहीं इस शब्द की उत्पत्ति हुई। तो अगर यह शब्द अंग्रेज की तरफ से आ रहा है, अगर यह शब्द इंग्लिश से आ रहा है, तो इसके मायने भी तो इंग्लिश जैसे ही होने चाहिए ना। यह दलित नहीं है, यह दलित है, दलित, लिट माने जलना। वे लोग जो अंधेरे से उजाले की तरफ चले गए वही दलित हो सकते हैं, आप दलित नहीं हो सकते। आपको अभी 20 साल लगेंगे, दलित बनना इतना आसान काम नहीं है। और मगर सुनो, दलित एक ब्रांड है, दलित ब्रांड है, और हम उसको सिद्ध कर देंगे। और अगले 20-25 साल बाद बच्चे से जब पिता पूछेगा ना कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो हो सकता है कि पहले नंबर पे डॉक्टर इंजीनियर, बस एक सेकंड, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हो, लेकिन चौथे नंबर पे कहा कि पापा मैं दलित बनना चाहता हूँ। कैसे ये काम करते हैं, अभाव में इनके पास व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी कर देते हैं। और बस इसके बाद देखिए, इस देश में बौद्धिक वर्ग को, बस एक सेकंड की बात, भाई एक सेकंड बस, देखिए एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, एक झगड़ा है, बौद्धिक वर्ग और बौद्धिक वर्ग और जो राजनीतिक लोग हैं उनके बीच का जो फासला है, वो फासला जितना बढ़ेगा उसका कहीं ना कहीं जो उसका जो उसकी जो उसकी जो कीमत है वो ना नेता चुकाएंगे ना आप चुकाएंगे, कहीं ना कहीं ये दलित समाज ही चुकाएगा, ये तय है। इसलिए मेरे हिसाब से बौद्धिक वर्ग को भी इस डायलेमे से बाहर निकलना चाहिए कि हम ही अच्छे नेता हो सकते हैं या हम ही अच्छे आंदोलन चला सकते हैं, वो उसको लीड कर सकते हैं। एक बात में इसलिए बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जा सकती है, देखिए इस देश में एक काम होने वाला है, इस देश का भविष्य का जो भी आंदोलन पनपेगा उस आंदोलन के मूल में दलित आंदोलन होगा, ये सिद्ध है। अगर यहां सीए या एनआरसी या कोई भी आंदोलन होगा वहां जय भीम के नारे होंगे, ये तय है। कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, बच्चा हो, किसान हो, कहीं ना कहीं आंदोलन बाबा साहब के नाम पे होंगे। अगर ऐसा आंदोलन चलाना है तो उसको लीड करने के लिए भी बौद्धिक वर्ग को आना चाहिए, आना चाहिए। कभी कभार आपकी कमी से, देखिए एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि हैदराबाद से रोहित मोमला की हत्या, उससे उपजा एक दलित आंदोलन जिसका परिणाम आपको जेएनयू में भी दिखाई दे रहा है, ये दलित आंदोलन के परिणाम है। मैं वहां लिखा था कि हैदराबाद से चिली नीली क्रांति एक्सप्रेस जेएनयू तक पहुंचते पहुंचते कैसे लाल क्रांति में बदल गई, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। अगर हमारा बौद्धिक वर्ग चाहता उस आंदोलन को सही तरीके से डिफाइन करता तो बहुत सारे टुकड़े टुकड़े वाले नहीं आते। चलिए भूख लग रही है आपको, फिर मिलूंगा, है ना। इसी के साथ जय भीम जय भारत।